हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैक्स किचन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैं आज एक ढोकला की रेसिपी शेयर करूंगी, पर मैं रेगुलर ढोकला ना बनाकर उसको थोड़ा सा टेस्ट देते हुए उसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड करूंगी, जिससे ये और भी हेल्दी हो जाएगा। इसकी लुक को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसको इडली मोल्ड में बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। एक कप बारीक सूजी या रवा, आधा कप फेंटा हुआ दही, यहाँ पर मैंने गाढ़ा दही यूज किया है, आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं जिसको मैंने मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लिया है, एक हरी मिर्ची पिसी हुई, आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का जूस लिया है, एक पैकेट इनो और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूंगी और उसमें दही और स्वीट कॉर्न डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही और स्वीट कॉर्न अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें सूजी, नमक और हरी मिर्ची डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें लगभग आधा कप पानी डालूंगी और इसका एक लंप फ्री बैटर बना के तैयार कर लूंगी। बैटर में गुठलियां बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें इनो डाल दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूंगी। उसके बाद इसको तुरंत हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि इनो आपको सबसे लास्ट में डालना है जब आपका स्टीमर पूरी तरह से तैयार हो। अब मैं इनको ये इडली मोल्ड में डाल दूंगी। इनको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको ढोकला प्लेट में भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा टैप कर लेंगे सो दैट कि जो बैटर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। यहाँ पर पहले से ही मैंने स्टीमर को गैस पे रखा हुआ है, इसमें पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें इडली मोल्ड्स डाल दूंगी और इसको ढक्कन से कवर कर दूंगी और गैस को मीडियम पर रखते हुए इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी या फिर तब तक जब तक कि हमारा ढोकला बनके तैयार नहीं हो जाता। चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसमें एक नाइफ डाल के चेक करूंगी, ये बिल्कुल क्लीन है, हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। ढोकला बनकर तैयार है। अब मैं एक स्पून की सहायता से इसे निकाल लूंगी। बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हुआ है। ढोकला मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूंगी। आप चाहें तो बिना तड़के के भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में बिना तड़के के भी टेस्टी है, लेकिन तड़के से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर एक तड़का पैन में 1 चम्मच के लगभग तेल डाला है और उसको गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल के गर्म होते ही मैं उसमें 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल दूंगी। 12 से 15 करी पत्ते और 1 छोटी चम्मच तिल डाल के गैस बंद कर दूंगी। अब मैं इस तड़के को ढोकले के ऊपर पोर कर दूंगी। हमारा कॉर्न और सूजी का टेस्टी ढोकला बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।